थे, ये आज की पीसी का मेन मुद्दा तत्व ये था। पंजाब के डीजीपी ने एक मिनट देखिए, हमारे फेसबुक अकाउंट ट्विटर हैंडल बंद किए गए हैं। हमारे नाम पर जितने भी लीडर्स हैं, फेक अकाउंट, फेक फेसबुक आईडियां खोलकर पोस्टें डाली जा रही हैं। हम कृपया आपके माध्यम से अनुरोध करेंगे पूरे देश को कि उन पे यकीन मत करें। हमारे ट्विटर हैंडल और हमारे फेसबुक पेज बंद पड़े हैं और डुप्लीकेट चीजें जाके भड़काई सामग्री सरकार के द्वारा डाली जा रही है, और यहां शरारती तत्व सरकार के द्वारा भेजे जा चुके हैं। हमें सभी को इस मोर्चे की रक्षा करने पड़ेगी और इसको पीसफुली ढंग से चलाना पड़ेगा। पंजाब के डीजीपी ने पत्र लिखा है और कहा है जो पोकलैन जेसीबी है सभी एसएसपी को, उनको अपने कस्बे है और खासतौर पे जो सिंधु बॉर्डर, यहाँ शंभू बॉर्डर पे पहुंचे हैं, आप इसको किस तरह देखते हैं? आप देखिए, सरकार अपने तौर से जो प्रयास कर रही है करे, हमें इस पे कोई आपत्ति नहीं है और न हमारा इसका इस तरह का कोई मंशा है। मशीनें वापस भेजेंगे। देखिए, अभी तक कोई गलबात का कोई नया कोई सदा नहीं आया है। जैसे भी कोई सदा आएगा आप सबके सामने होगा। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने कल कहा कि सड़क पर ट्रैक्टर ट्रॉली ऐसे नहीं चल सकती, होना चाहिए। देखिए, पूरे देश के मेलाओं में ट्रैक्टर ट्रॉलियां जाती हैं, जो पार्टी रैलीज करती हैं वहां ट्रैक्टर ट्रॉलियों से किसान मजदूर जाते हैं, हर काम के लिए ट्रैक्टर ट्रॉली जाते हैं। पीसफुली आंदोलन के लिए अगर ट्रैक्टर ट्रॉली जाएंगे, मुझे नहीं लगता इस पे कोई आपत्ति होनी चाहिए। वोट ने कहा है इस तरह का कोई हमारा इस तरह का हमारा कोई कोर्ट के ऑर्डर, जो आप बोल रहे हैं कैन कमीशन कोर्ट के ऑर्डर, तो हमारे पक्ष में जबलपुर हाई कोर्ट ने हमारे पक्ष में निर्णय दिया है कि एमएसपी से नीचे खरीदी नहीं होगी। हमारे पक्ष में कोर्ट ने निर्णय दिया है 15 दिन से अधिक आप गन्ने की पेमेंट रोक नहीं सकते, उसका वायलेंस लगातार सरकार करती है। हमारे पक्ष में तो 200 पैसे हैं, आप देख लें। तो ये बैरिकेड नहीं हटा दे तो कूच करोगे कितने बजे कितना की रोक रहेगा? और देखो, पीसफुली ढंग ना बताओगे सरकार साढ़े से तशद करूंगी, असी नंगे पिंडे सामांगे। नहीं, कुछ भी ऐसा नहीं होगा, इन मशीनों का इस्तेमाल होगा? नहीं होगा। तो लाई क्यों गई है? हम सब जो कुछ भी हम देखेंगे पता करेंगे, कुछ ऐसा आया उसको रोकेंगे। ऐसे बढ़ेंगे आपके सामने, आप साथ आइएगा, मारेंगे, ऐसे होगा, चलाएं मरेंगे देश के हित में। देखिए, कैजुअलिटी होती है कोई रब ना करे कोई गल होती है, जिम्मेवार कौन हो, कौन जिम्मेवार? देखो, वह जिम्मेवार होंगे जेडे साढ़े आने तो पहलो 15 दिन पहलो बैरीकेट करके खड़े आ, वह होंगे जिन्होंने 25,000 पैरामिलिट्री फोर्स चलाईया ने, जिन जड़े साढ़े ते हंजूगा इस्तेमाल कर रहे हैं, रबड़ दियां गोलियां इस्तेमाल असी हाथ बन रहे हैं, वो नहीं कुछ देना सानू, जान तो दियो। ड्यूटी कौन दे रहा? हम देश के प्रधानमंत्री चुनते हैं, इस मेल के मालिक हैं, ड्यूटी जिधर से मर्जी को दे दे, ऐसा तो नहीं ना होगा। पंडित साहब, भाई ये पूछ रहा हूँ कि आप शांतिपूर्ण कर रहे हैं, सुरक्षा एक बार सुन लीजिए, उनको ड्यूटी मिली है, इनको नहीं देना जाने देना, इसलिए बैरिकेडिंग है, और आप आगे बढ़ेंगे, हिंसा होगी तो किसान नेताओं की जिम्मेदारी ऐसी स्थिति पैदा की और उसके बाद हिंसा। अभी सरकार भी तो हमें सुन रही है, हम तो उसे बोल रहे हैं भाई अभी परिस्थिति को काबू कर लो। इस तरह के निर्णय कोई विदेशी लोग थोड़े ना है। आप बताइए, क्या देश की 19 धारा हमें अपनी बात करने का अधिकार नहीं देती है? जब स्वयं भाजपा प्रधानमंत्री हैं, इन्होंने कभी प्रदर्शन नहीं किया, इन्होंने ऐसे काम नहीं किए, बोल दें, ये भी तो करते रहे जब विपक्ष में रहे हैं, हम करते हैं। ये धरना जंतर मंतर पे चल रहा था जब भूख हड़ताल चलती थी करप्शन के खिलाफ, तो सभी राजनाथ जी वहां गए होते थे, हमारे धरने में राजनाथ सिंह जी और जूनियन के बोल के आते रहे, तब ठीक था, अब हम कर रहे हैं, हम गलत हैं। बेटा, आपको लगता है पंजाब गवर्नमेंट ने सरेंडर कर दिया? ऐसा देखो, ऐसा कुछ नहीं, पंजाब सरकार से हमारा कोई क्यों नहीं है। एक सवाल का जवाब तो देने से पहले कॉल से क्या होगा, लीडर्स आगे जाएंगे, कुछ चुनिंदा लोग जाएंगे, ये जेसीबी मशीन और पोकलैन मशीन जाएगी, क्या है ये बताइए? ये देखिए, यही हमारा प्रयास है अंजुम जी, कि हम पूरी शांति बनाकर रखते हुए, कुछ आगुओं की ड्यूटी लगाते हुए,
आगे जाएंगे। हमारा कोई मंतव्य नहीं, कोई मंशा नहीं है किसी तरह का भी वायलेशन करना। पहले वाला जी, पंजाब गवर्नमेंट का रवैया जिस तरह से रहा है, आप बोल रहे हैं कि उनकी सीमा में आके हरियाणा पुलिस और अर्धसैनिक बल कार्रवाई कर रहे हैं, बीएसएफ पीछे भी उतार दी गई है, यहाँ पर गाड़ियां भी रोकी जा रही है, पंजाब गवर्नमेंट का आपको लगता है सरेंडर हो गया है? देखिए, मैं ये कहूँ, मुझे पंजाब गवर्नमेंट का सरेंडर कहना या क्या कहें, ये तो सरकार की जिम्मेदारी है। सरकार क्यों कर रही है, हमें हमारे पास ना तो सरकार का कोई पत्र आया है कि हम ऐसा कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं या क्या नहीं कर रहे, हमें कुछ पता नहीं है। हम उसको बिना किसी कागज पत्र के कोई शब्द बोले वो उचित नहीं है। पंजाब पुलिस यदि आपकी पोकलेन और वो जब्त करती है तो क्या आप लोग पंजाब पुलिस को सरेंडर कर देंगे, वो इस आंदोलन में दिल्ली की तरफ आगे बढ़ाएंगे? ये देखिए, ये जब वक्त आएगा तब पता चलेगा। कई बार ऐसे मोर्चे पर कुछ बैक चैनल बातचीत होती है, परसों की बातचीत टूटने के बाद कल रात या कल दिन भर या आज सुबह तक कोई बैक चैनल सरकार से बातचीत हो रही है, बातचीत का दरवाजा खुलने? नहीं, बैक चैनल कोई बात नहीं होती। बातचीत जो होती है वो कल अधिकारी जैसे बातचीत करते रहते हैं, अक्सर करते रहते हैं पंजाब गवर्नमेंट के, उन्हीं ने बातचीत करने का प्रयास किया, लेकिन उनकी बातचीत में से कुछ निकल कर नहीं आ रहा था। उनके पास कुछ नहीं था। हमारा यही था कि कानून बनाने के लिए हमारे प्रधानमंत्री जी बयान दे दें तो उसके ऊपर हम विचार कर सकते हैं। विपक्षी पार्टियों से कल आह्वान किया गया था, ना उनकी तरफ से कोई स्पष्टीकरण आया, उनका रवैया किस तरह से देखते हैं? हाँ, देखिए, जो विपक्षी दल हैं उनको हमने कहा था आप बिल्कुल अपनी स्थिति स्पष्ट करिए, भी अगर एमएसपी गारंटी का कानून सरकार लेके आती है तो आप सभी दल बोले कि हम उसका बिल्कुल विरोध नहीं करेंगे, उसके पक्ष में वोटिंग करेंगे। अगर नहीं कुछ बोलेंगे तो पूरा देश देख रहा उनको भी। कानून अगर बनता है और इससे पूरे देश के किसानों का भला होगा, क्यों पंजाब और हरियाणा के अलावा बाकी स्टेट के लोग दिख नहीं रहे हैं? देखिए, अब हरियाणा के भी, हरियाणा में तो इतनी पैरामिलिट्री फोर्स लगाई गई है, राजस्थान में 3 जिलों में बंद किया गया है, वहाँ नेट बंद है, बीएसएफ लगी है, अब यूपी पूरी तरह सील किया, बिहार से आए हुए 150 आदमी गिरफ्तार कर लिए गए हैं, मध्य प्रदेश में गिरफ्तारी हुई है, अन्य राज्यों में भी गिरफ्तारियां हुई हैं, पूरी तरह पूरे देश में जबर किया जा रहा है। कर्नाटका, केरला से हाँ बिल्कुल, वहाँ बेशक जहाँ से उठते हैं उसको दबा दिया जाता है। कितने बजे की कॉल है जी, कितने बजे आगे बढ़ोगे? देखो, साड़ी कॉल 11 बजे दी है, 11 बजे ऐसी अगे बदन दिए, साडा प्रोग्राम है 11 बजे ऐसी, आप दे तरीके ना लगे जत्थे जाओगे कि मैं जाओगे मतलब? हाँ, कोशिश यही है कि ऐसी बहुत बड़ा हजूम या भीड़ लैके अगे नहीं तुरंगे, ਅਸੀਂ ਜੱਥਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਕਿਹੜੇ ਆਗੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਜੀ ਔਰ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਹੋ ਜੀ? ਆਗੂ ਕਾ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤੇ? ਉਹ ਅਸੀਂ ਆਗੂ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਦੋਂ ਜੱਥਾ ਜਾਏਗਾ ਵਿੱਚ ਆਗੂ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਜਾਣੇ ਜੱਥਾ ਜੀ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੋਈ ਆ 11 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਜੀ? ਹਾਂ ਦੇਖੋ, ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀਆਂ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੱਲ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ, ਹਰੇਕ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਹੈਗਾ ਫਰੰਟ ਤੇ, ਹਰੇਕ ਸੂਬਾ 3 ਆਪਣੇ ਹੈਗੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੀਡਰ ਗਾੜੀ ਦਿੱਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੜੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਜ਼ੀ ਨਿਊਜ਼।